फिल्म ट्रिपल आर से ग्लोबल स्टार बन चुके रामचरण के चर्चे हर तरफ हो रहे हैं। रामचरण ऑस्कर अवार्ड अपने गाने के नाम कर भारत वापस आ चुके हैं। उन्होंने शुक्रवार शाम इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2023 में शिरकत की। यहां रामचरण ने अपनी फिल्म और गाने के बारे में तो बात की ही, साथ ही बताया कि क्या वह किसी हॉलीवुड फिल्म का हिस्सा बने हैं। मॉडरेटर राजदीप सरदेसाई के साथ इस शानदार इवेंट में रामचरण ने बात की। इस दौरान उनसे पूछा गया कि आप ग्लोबल स्टार बनना चाहते हैं, क्या ये सही है कि आपको जल्दी हॉलीवुड फिल्म में देखा जाएगा। इसके जवाब में रामचरण ने कहा कि मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, अभी हम प्रोसेस में है, हम आने वाले समय में आपको बताएंगे। मेरी माँ कहती है सबकी नज़र नहीं लगनी चाहिए, हम सभी उस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं जहाँ टैलेंट की कद्र होती है। इसके अलावा रामचरण से पूछा गया कि क्या टॉम क्रूज ऑस्कर 2023 में उनसे मिलने के लिए उन्हें ढूंढ रहे थे। जवाब में राम बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है, अभी तो टॉम क्रूज से मैं मिलना चाहता हूँ, शायद हो सकता है कि भविष्य में वह मुझसे मिलना चाहे, अभी मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ, पर हाँ मैं जरूर चाहूँगा कि ऐसा हो। हो सकता है कि राजा मौली आगे आने वाले समय में टॉप गन बनाएं। इस इवेंट में रामचरण ने यह भी बताया कि उनके पिता ने उन्हें इंडस्ट्री को लेकर क्या सीख दी थी। राम कहते हैं कि एक फार्मूला जो मेरे पिता चिरंजीवी ने मुझे पहले दिन मेरी पहली फिल्म के समय में मुझे सिखाया था, वह यह था कि स्टाफ का ध्यान रखो, उनकी इज्जत करो, अगर उन्हें तुम्हारे बारे में बात करना शुरू कर दिया तो तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। तो मैं हमेशा अपने स्टाफ का ध्यान रखता हूँ, मेरा मेकअप मैन, मैनेजर, स्टाइलिस्ट, मेरी फिल्म फ्लो भी हो जाए तो भी मैं अपने स्टाफ का ख्याल रखता हूँ। इसके आगे उन्होंने ऑडियंस को अपने हेयर और मेकअप आर्टिस्ट विपिन और गौरव से भी मिलवाया। आने वाले इंडियन प्रोजेक्ट के बारे में भी रामचरण ने इवेंट में बात की। उनसे पूछा गया कि मेगा हिट फिल्म देने के बाद अब वह क्या करने वाले हैं। रामचरण ने जवाब दिया कि मैं मिस्टर शंकर के साथ फिल्म में काम कर रहा हूँ, इसके अलावा रंगस्लम में काम कर रहा हूँ, ये बड़ा प्रोजेक्ट है, सितंबर में इसकी शूटिंग शुरू होगी। इस फिल्म में पूरी क्षमता वेस्ट में जानी, ये भारत की मिट्टी की कहानी है। अभी मैं साल में 2 फिल्में करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे सिर पर बहुत EMI है। इसी तरह के बॉलीवुड न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।